नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने वाराणसी के खजूरी में जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, कहा यूपी के लोगों को मिला डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट। यूपी चुनाव के अंतिम चरण में सभी दलों ने झोंकी ताकत, बीजेपी नेताओं के निशाने पर अखिलेश यादव, जौनपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने साधा निशाना। यूपी में सातवें चरण का थमा शोर, अंतिम चरण में योगी सरकार के छह मंत्रियों की साख दांव पर, 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को होगा मतदान। यूपी में प्रियंका गांधी का बीजेपी नेताओं पर हमला, कहा सही नई और सच्ची राजनीति के लिए लड़ाई रहेगी जारी, 10 मार्च को यूपी में बनेगी नई सरकार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी, बुलंदशहर के 42 स्टूडेंट्स को सरकार ने किया एयरलिफ्ट, लौटे छात्रों ने केंद्र सरकार का जताया आभार। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब बारी है सातवें और अंतिम चरण की। सातवें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है। इन सीटों पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला राज्य के 2,06,00,000 मतदाता करेंगे। यूपी में इस चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए शनिवार को प्रचार का शोर थम गया। यूपी में सत्ता के लिहाज से यह सबसे अहम चरण भी है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अंतिम समय तक किए गए आक्रामक प्रचार में अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके बाद रविवार को सभी दलों का जोर डोर टू डोर प्रचार पर रहेगा। इसके बाद सोमवार को अंतिम चरण के लिए आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में वोटिंग होगी। इसके बाद अब तक हुए 7 चरण की वोटिंग के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। यूपी के सातवें चरण के 9 जिलों की 54 सीटों पर अब मतदान बचा है। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। यूपी में सत्ता के लिहाज से यह सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। पिछले चुनाव और नतीजों की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में इन जिलों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 54 में से 36 सीटें आई थी और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इसमें भाजपा को 29, अपना दल को 4 और सुभाषपा को 3 सीटों पर जीत मिली। इस तरह सपा ने 11, बसपा ने 6 और निषाद पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इन जिलों की 54 सीटों में कांग्रेस तो खाता ही नहीं खोल सकी थी। हालांकि इस बार ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़कर सपा के साथ हाथ मिला लिया है, तो निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर रखा है। माना जा रहा है कि भाजपा इस चरण में पहले की तरह के परिणाम की आशा कर रही है, उसकी कोशिश है कि बीते परिणाम से बेहतर कुछ मिले। तो कांग्रेस अपना खाता खोलने की कोशिश करते हुए चुनाव प्रचार में दम दिखाया है, तो दूसरी ओर सपा के साथ बसपा भी आगे बढ़ने की कोशिश में है। २०२२ के सातवें और अंतिम चरण के लिए शनिवार शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब सोमवार को होने वाली वोटिंग में इस दौर के कई नामचीन के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा। इस चरण में सियासत के कई धुरंधर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें योगी सरकार के 6 मंत्रियों की साख इस चरण में दांव पर लगी है। इसमें कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान सपा छोड़ भाजपा का दामन थाम चुके हैं। वहीं चुनावी रण में उतरे 6 वर्तमान मंत्रियों में 1 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला है, साथ ही 3 राज्य मंत्री स्तर के चुनाव मैदान में हैं।
तीन मौजूदा मंत्री तो वाराणसी की कई सीटों पर फिर चुनाव मैदान में हैं। योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से फिर किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा और भी कई मंत्री और दूसरे दलों के बाहुबलियों के साथ नेताओं के बेटे भी इस चरण में किस्मत आजमाने उतरे हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं, जहां बीएलडब्ल्यू स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे और वहां मौजूद कुछ भाजपा नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। उसके बाद चाय पी। इसके बाद पीएम मोदी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने कैंट रेलवे स्टेशन के एग्जीक्यूटिव लाउंज में कर्मचारियों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली। इसके साथ इस स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर घूमकर उन्होंने यात्री सुविधाओं और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि 2019 में कैंट रेलवे स्टेशन को भव्य स्वरूप दिया गया था। यहां से पीएम मोदी का काफिला अब खिड़किया घाट पहुंचा है। यहां पीएम मोदी ने खिड़किया घाट का जायजा भी लिया। यूपी में सातवें चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के लोग यूपी में गुंडागर्दी, माफिया, भ्रष्टाचार, घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। साथ ही कहा कि आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है। दूसरी तरफ घोर परिवारवादियों की कोरी घोषणाएं हैं, जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती हैं। वहीं देश के सामने कोई चुनौती आती है तो ये घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढने लगते हैं, और यूक्रेन मुद्दे पर भी विपक्ष राजनीति में लिप्त है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। इसे लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन सब के बीच भाजपा नेताओं के निशाने पर लगातार अखिलेश यादव बने हुए हैं। इसी कड़ी में यूपी के जौनपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोगों की जान की परवाह किए बिना राजनीतिक खिचड़ी पकाते हैं, ऐसे नेताओं को एक क्षण भी राजनीति में रहने का हक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता के मुकुट मने यूपी के चुनावी समर के आखिरी दौर के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनावी चक्रव्यूह के सातवें द्वार के फतह करने के लिए प्रियंका गांधी गाजीपुर में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान प्रियंका ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक इस उत्तर प्रदेश में एक सही, एक नई और एक सच्ची राजनीति उभर कर नहीं आएगी, तब तक मैं आपके लिए लड़ती रहूंगी, आपके प्रदेश के लिए लड़ती रहूंगी और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। इस सभा में आपका बहुत स्वागत करती हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि आप यहां आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। श्री अजय लल्लू जी, श्री बाजीराव खाडे जी, श्री अजिताभ अनिल दुबे जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद,